सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। चर्मकार क्रांति मोर्चा औरंगाबाद शहर में महाराष्ट्र भर से आए हुए रोहिदास समाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने ना पक्ष ना नेतृत्व फक्त मोर्चा के तहत एक मोर्चे का इनेकाद किया। मोर्चा डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर आकर धरने में तब्दील हुआ। चर्मकारी रोहिदासी समाज के जिम्मेदारान ने इस मौके पर प्रेस से बातचीत की। दिल्ली में संत रोहिदास महाराज मंदिर के इनेदाम के खिलाफ ये मोर्चा निकाला गया था। पेश खिदमत है रोहिदास समाज के लीडरान के बयानात और आंदोलन करते हुए मुजाहिरीन। हम जाएंगे क्यों आप ये धरना क्यों दे रहे हैं? ये धरना नहीं है, ये मोर्चा था जो भड़कल गेट से निकलकर मिल कॉर्नर से गुलमंडी, गुलमंडी से सिटी चौक, सिटी चौक से शाहगंज और शाहगंज से अन्नामो साठे पुतला से यहाँ विभागीय आयुक्त कार्यालय के पास के लिए हमने मोर्चा संपन्न किया है। यह हमारी चमार समाज की 125 करोड़ कुल जनसंख्या के 25 करोड़ चमार समाज की आवाज है। हमारी हमारी मांगे उचित है। जो 600 साल का पहले का गुरु रविदास जी का मंदिर है, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने धोखे से तोड़ा है, उस मंदिर को जैसे के वैसे केंद्र सरकार बनाए और वो जगह हमारे ताबे में दे, गुरु रविदास ट्रस्ट के ताबे में दे। ये तो आज हम शांतता के साथ में यह आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम भड़क जाए, हम यह आंदोलन तीव्र कर दे, तो गवर्नमेंट को इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। हम समझता है हर पांचवा इंसान अगर चमार है तो आने वाले कोई भी इलेक्शन में वो एक मील का पत्थर तैयार हो सकता है। तो हमारी गुजारिश है उस केंद्र सरकार से तत्काल उस पे वट हुकुम निकाले कोर्ट ने दिए हुए आदेश पर, और ये मंदिर ट्रस्ट की जगह ट्रस्ट को वापस करे और वहाँ पर जैसा मंदिर था वैसे ही मंदिर बनाए। कोर्ट का क्या आदेश आया? ये क्या हुआ था 1992 में वहाँ के दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक याचिका दाखिल की कि ये दिल्ली विकास प्राधिकरण को जमीन मिलना चाहिए। ये दिल्ली के सेंटर में तुगलकाबाद में जमीन है कि जो 1519 में तब के सिकंदर लोदी साहब, सुल्तान सिकंदर लोदी, इन्होंने गुरु रविदास जी को ये गुरु दक्षिणा बोलकर दान में ये 5 एकड़ जमीन दी थी। वहां पर ध्यान साधना के लिए, वहां पर उनके साधना के लिए जमीन दी थी। उसके बाद में रविदास जी के उपरांत वो वहां पर रविदास जी का मंदिर बनाया गया। 1969 में तब के उपप्रधान बाबू जगजीवन राम ने उस मंदिर का पुनर्निर्माण किया, बड़े पैमाने पर निर्माण किया। और वो मंदिर 1947 से जिसपे 7/12 जो जमीन महसूल का 7/12 होता है उस पर नोंद है, उसके जीर्णोद्धार करने वाले बाबू जगजीवन राम, इनके डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है। इतना होते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण कहता है कि ये अतिक्रमण है, और अतिक्रमण बोलकर वन साइड फैसला लिया, हमें किसी को पता नहीं होने दिया। ये फैसला लगा 1996 में। 1996 से आज तक ये दिल्ली विकास प्राधिकरण क्या सो रहा था, हमारा सवाल है। अभी 20 साल हो रहे उस बात को, और 20 साल में कोई एक्शन नहीं ली, और हमें 12 अगस्त की नोटिस दी गई कि ये मंदिर तोड़ने के लिए 12 अगस्त को आएंगे, और आए कब तो 10 अगस्त को सवेरे 3 बजे। यानी ये हमारे समाज के साथ में धोखा है। जब हमारा समाज सो रहा था उस समय आकर मंदिर को तोड़ा गया, और इसके विरोध में आज हमने ये भव्य मोर्चा का आयोजन किया था। ये चर्मकार क्रांति मोर्चा का आयोजन किया था, इसमें सारे महाराष्ट्र से लोग आए, अपने पूरे परिवार के साथ में आए, बाल बच्चों के साथ में आए, क्योंकि ये हमारी भावनाएं दुखी है। पूरे भारत के 25 करोड़ चमार की भावनाएं दुखी है, और इस पे गौर करना चाहिए केंद्र सरकार ने। मैं उनको अल्टीमेटम देता हूँ, जल्दी से जल्दी तत्काल ये निर्णय करे, वट हुकुम निकाले केंद्र सरकार, क्योंकि वो जमीन का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। दिल्ली ये केंद्र शासित प्रदेश है, जमीन महसूल
और पुलिस डिपार्टमेंट ये केंद्र सरकार के अख्तियार में आता है, पर अब तक केंद्र सरकार चुप्पी साधे है। हमारी भावनाओं का उद्रेक न होने दे केंद्र सरकार, हम उन्हें अल्टीमेटम देते हैं। ये आज जो शांतता से मोर्चा निकला है, ये इससे भी ज्यादा तीव्र हो सकता है, और इसके जब प्रॉब्लम्स आएंगे लॉ एंड ऑर्डर के, तो इसको जिम्मेदार सरकार होंगे, हम नहीं। तो आप जो है तीव्र आंदोलन की धमकी दे रहे हैं? जी बिल्कुल। क्यों ऐसा? ये तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आंदोलन करके ही डेमोक्रेसी में अपना हक मिलाया जा सकता है। जब कोई हक अपना हक मिलता नहीं है, तो हम संवैधानिक मार्ग से तीव्र आंदोलन कर इसके भी ज्यादा जाकर हम हमारा हक मिलाएंगे। आपका नाम? मैं डॉक्टर गोपाल सिंह बछीरे, औरंगाबाद।